हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। और जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स डिस्कस करूंगा वो क्वांटम मैकेनिक्स के डिस्कस करूंगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स से जो सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट रहता है वो पार्टिकल इन ए बॉक्स है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पार्टिकल इन ए बॉक्स की जो प्रॉब्लम है वन डायमेंशनल बॉक्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी डिस्कस करूंगा। जो नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें किस तरीका से हैंडल किया जाए वो भी मैं सब डिस्कस करूंगा। तो इसमें जो वन डायमेंशनल बॉक्स होता है, सबसे पहले ये हमारी दो बॉल्स होती हैं, इन दो बॉल्स के बीच में पार्टिकल ट्रैप रहता है। जो बॉल्स हैं उन्हें मान लें कि x बराबर 0 पे एक बॉल है, एक बॉल जो है x बराबर L पे है। तो दीज आर टू बॉल्स, वन इज एट x बराबर 0 एंड अनदर बॉल इज एट द x बराबर L। नाउ दीज बॉल्स आर इन पेनिट्रेबल, इसका मतलब है कि इनको हम पेनिट्रेट नहीं कर सकते। और अगर ये बॉल्स इनफाइनाइट हार्ड हैं, इसका मतलब यह है कि इनको पेनिट्रेशन पार्टिकल का पॉसिबल नहीं है। तो वी जो होगा इस रीजन के अंदर पोटेंशियल वो इन्फिनिटी होगा, और इस रीजन में भी पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और यहाँ पे जो वी होगा पार्टिकल्स का वो जीरो होगा। तो जो पार्टिकल है जब वी जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो होता है, उसका मतलब होता है कि पार्टिकल फ्री पार्टिकल है। मीन्स नाइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एप्लीकेबल ऑन द पार्टिकल और नाइदर नॉर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव नॉर द फोर्स ऑफ रिपल्सिव एक्ट ऑन द पार्टिकल। तो जब यहाँ पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा होगा तो साइन जो होगा यहाँ पे वो फाइनाइट होगा, और जो पोटेंशियल है वो जीरो होने के कारण जो एनर्जी होगी पार्टिकल की वो होल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो एनर्जी प्रोसेस बाय द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड एट एक्स बराबर जीरो एंड एक्स बराबर एल पार्टिकल हैव द पोटेंशियल एनर्जी जीरो एंड टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और वी बराबर इन्फिनिटी पे जहाँ भी पोटेंशियल इन्फिनिटी होता है वहाँ पे वेव फंक्शन जीरो होगा, और यहाँ भी वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। एक कंसेप्ट कभी भी ना भूलें कि अगर हमारा साई वी का फंक्शन है, मीन्स अगर हमारा वेव फंक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, तो याद रखें कि जब वी की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है तो साई ऑलवेज जीरो हो जाना चाहिए। अगर इस तरीका का कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर और वी इन्फिनिटी रखने पर वेव फंक्शन में वेव फंक्शन साई की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वो वैलिड वेव फंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर साई वी बराबर इन्फिनिटी रखने के बाद अगर वेव फंक्शन साई फाइनाइट बना रहता है तो सदा इनवैलिड वेव फंक्शन होता है। तो इस कंसेप्ट को कभी ना भूलें, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो ये सबसे पहले इसके डायग्राम को आप समझें, उसके बाद अगर पार्टिकल हमारा x बराबर 0 से x बराबर L की तरफ जाएगा, ये जो बॉल है वो परफेक्टली हार्ड रिजिड है और पार्टिकल x बराबर 0 और L के बीच में ट्रैप है। क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स का जो मेजर डिफरेंस यहाँ पैदा होता है वो ये है कि क्लासिकली जो पार्टिकल है वो कहीं पे भी हो सकता है और पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता हर पॉइंट पे सेम है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इस तरीका के रिजल्ट नहीं देती। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि एनर्जी है वो पार्टिकल की क्वांटम स्टेट n पर डिपेंड करेगी और पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिफरेंट होगी। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन पर पार्टिकल कभी भी नहीं पाया जाएगा, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिन पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा होगी। तो देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स, और क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स का मेजर डिफरेंस यही है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनर्जी है जो वो डिस्क्रीट होती है, और क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एनर्जी है, मैं लिख कर भी बताता हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनर्जी रहती है वो डिस्क्रीट रहती है, क्लासिकल में जो एनर्जी होती है वो क्लासिकल एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूस होती है। तो सबसे मेजर अंतर है। उसके अलावा यहाँ मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो सेम है ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर विद इन द बॉक्स, और यहाँ पर जो पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता है वो डिफरेंट है डिफरेंट पॉइंट के ऊपर। तो ये जो अंतर है उसको ऑलवेज समझें। उसके अलावा एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर हमारा पार्टिकल्स बॉक्स के अंदर है तो ऑलवेज जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो ये है कि जब क्वांटम नंबर की वैल्यू लार्ज हो जाती है तो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक के जो रिजल्ट हैं वो आपस में कोइंसाइड करने लगते हैं। ये जो है बोर करेस्पोंडेंस प्रिंसिपल कहलाता है। तो इस कंसेप्ट को भी समझें। उसके बाद हम x बराबर 0 से जब x बराबर L की तरफ को पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ जो वेव फंक्शन होगा उसको हम साई प्लस कहेंगे, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट। और जब x बराबर L से x बराबर 0 की तरफ को वापस होगा तब उसका जो वेव फंक्शन होगा
वो साई माइनस से दिखाया जाएगा। तो साई प्लस जो मैं दिखा रहा हूँ वो है मीन्स जब पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके वेव फंक्शन को ए की पावर आई के एक्स हम लिख सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ इस तरीका की चीजों पर। तो यहाँ हमारा जो फ्री पार्टिकल है उसका जो वेव फंक्शन होता है वो ए की पावर आई के एक्स होता है, के यहाँ पे जो वेव वेक्टर कहलाता है और एक्स पोजिशन है और ए जो है एम्पलीट्यूड होता है वेव फंक्शन का। यहाँ जब पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा मीन्स एक्स बराबर एल से, क्योंकि जब पार्टिकल एक्स बराबर जीरो से एल की तरफ जाएगा तो इस वॉल से टकराएगा, एक्स बराबर एल से जब वापस आएगा टकराने के बाद में तो उसका वेव फंक्शन साइन माइनस हो जाएगा और तब हम वेव फंक्शन को लिख दें बी ई की पावर माइनस आई के एक्स। ये हमने इस वजह से लिखा है कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे वेव फंक्शन में और कहेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है वो ए की बजाय बी हो जाता है। तो अब नेक्स्ट सुपर क्वेश्चन में इस पर हम अप्लाई करते हैं कि इस पूरे रीजन के अंदर अगर हमें वेव फंक्शन बताना है साई, तो उसे हम लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू पॉजिटिव डायरेक्शन में जब पार्टिकल मूव कर रहा था उसका वेव फंक्शन साई प्लस डायरेक्शन के अंदर, और जब पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो वेव फंक्शन को साई माइनस कहें। तो ये हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से लिखा है, मैं ब्रीफ में लिखे दे रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है और नेट हमें वेव फंक्शन बताना है तो उसे लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम इसे लिख सकते हैं। तो साई की वैल्यू को यहाँ पे लिख दें साई प्लस को पहले ए की पावर आई के एक्स और साई माइनस को लिख दें प्लस बी ई की पावर माइनस आई के एक्स। ये नेट वेव फंक्शन हो जाएगा इन द बिटवीन एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर एल के बीच में। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन। अब हमारा एक्स बराबर जीरो क्योंकि ये परफेक्ट रिजिड बॉल है तो एक्स बराबर जीरो पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता जीरो है और एक्स बराबर एल पर पाए जाने की प्रायिकता जीरो है क्योंकि पार्टिकल ऑलवेज इस बॉक्स के अंदर रेंज में होगा। तो यहाँ पर कंडीशंस लगा दें एक्स बराबर जीरो के ऊपर साई जीरो है क्योंकि पार्टिकल के दीवार पर पाए जाने की प्रायिकता जीरो है और दूसरी जो बॉल है हमारी एक्स बराबर एल पर वहाँ पर भी वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। तो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं एक्स बराबर जीरो पर वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो और x बराबर l के ऊपर वेव फंक्शन दी गई। इन दोनों कंडीशंस को यहाँ अप्लाई करें। जैसे ही हम पहली कंडीशन से अप्लाई करेंगे दिस वन, इसको मैं फर्स्ट कंडीशन कह रहा हूँ और इसको मैं बोलूँगा सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा और इज इक्वल टू a e की पावर i के जीरो मीन्स e की पावर जीरो मीन्स वन, तो a रह जाएगा यहाँ से प्लस और यहाँ पर भी जब हम x बराबर जीरो कर देंगे तो e की पावर माइनस जीरो ये भी फिर वन होगा तो a प्लस बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि b की जो वैल्यू होगी वो माइनस ए के इक्वल होगी। तो यहाँ जो एम्पलीट्यूड है साई प्लस से होगा, इसका मतलब होगा कि साई प्लस की वैल्यू हमारी होगी a e की पावर i के x और साई माइनस की जो का मतलब होगा पार्टिकल जिस समय पर वापस आएगा उस समय पर उसका वेव फंक्शन साई माइनस हो जाएगा a e की पावर माइनस आई के एक्स। तो सबसे पहले इन दोनों कंसेप्टों को समझें, उसके बाद नेट वेव फंक्शन जब हम लिखेंगे साई ये कंडीशंस जैसे ही अप्लाई करेंगे तो साई जो नेट वेव फंक्शन है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी a e की पावर आई के एक्स और माइनस a e की पावर माइनस आई के एक्स। यहाँ से a को कॉमन निकाल दें कैपिटल a को और e की पावर आई के एक्स माइनस e की पावर माइनस आई के एक्स, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ साइन थीटा का एक्सप्रेशन हम जानते हैं कि साइन यूलर थ्योरम से साइन थीटा की वैल्यू e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन टू वाई होगी। तो इस कंडीशंस को जैसे ही यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हमारी आ जाएगा a इंटू टू वाई और ये एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन के एक्स। टू वाई ए को एक कॉन्स्टेंट मान लें अलग से, तो साइन जो आ जाएगा वो हमारा बन जाएगा बी साइन के एक्स, जहाँ मैंने इसको सी से मैं नोट किए दे रहा हूँ क्योंकि बी मैंने ऑलरेडी यहाँ यूज किया हुआ था तो इसको सी यूज किए दे रहा हूँ। तो सी कॉन्स्टेंट है और सी की वैल्यू है यहाँ पे टू आई है, टू कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है तो सी भी कॉन्स्टेंट होगा। तो ये साई जो नेट वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू आ गई सी साइन के एक्स। अब एक्स बराबर एल के ऊपर जो पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता है वो जीरो है, तो ये कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दें जीरो इज इक्वल टू सी साइन के एक्स की जगह पे एल कर दें तो c साइन के एल इक्वल टू जीरो। c को हम जीरो कर नहीं सकते क्योंकि अगर हम c को जीरो कर देंगे तो इसका मतलब होगा c यहाँ जीरो करने का मतलब साई जीरो होगा, साई जीरो का मतलब होगा कि वेव फंक्शन जीरो है, वेव फंक्शन जीरो जब होगा जब पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता वहाँ जीरो हो, जबकि हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर ट्रैप है
तो साई जीरो नहीं हो सकता इस रीजन के अंदर। तो यहाँ पे जब हम ये कंडीशंस लगा देंगे इसका मतलब होगा सी को हम जीरो नहीं ले सकते। तो हमारे पास दूसरी कंडीशंस क्या है, साइन के एल हमारा जीरो है, साइन के एल जीरो का मतलब होगा इसको हम लिख सकते हैं जनरलाइज करने के लिए साइन एन पाई, क्योंकि जब हम साइन एन पाई में एन की वैल्यू को 1, 2, 3 देना शुरू करेंगे तो साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई ये सब जीरो होते जाएंगे, जहाँ एन की जो वैल्यू होगी उसे हम शुरू करेंगे 1 से 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो के एल जो होगा वो हमारा हो जाएगा एन पाई और के हम यहाँ से इवेल्यूएट कर लेंगे के इक्वल टू एन पाई अपॉन एल, तो ये हमारा वेव वेक्टर आ जाएगा है के बराबर एन पाई अपॉन एल। इस के बराबर एन पाई अपॉन एल को यहाँ पर जो वैल्यू थी इसमें हम पुट कर दें तो साई जो है इसको आप नोट कर लें सभी, क्योंकि मैं इसको फिर कब करूँगा। यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम है किसी कंसेप्ट को समझने में तो मुझसे डिस्कस कर लें और बताएं कौन सा कंसेप्ट आपकी समझ में आया। तो साई जो होगा उसे जो वेव फंक्शन हमने कैलकुलेट किया है उसमें के की जगह पर हम क्या करें पुट कर दें और के की जगह पर रखते हैं हम एन पाई अपॉन एल, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो एवोल्यूट होकर आएगी साई इजकल टू साई इजकल टू और सी आ जाएगा और के हम निकाल चुके हैं एन पाई अपॉन एल, तो साइन सी साई की जो वैल्यू है वो हो गई सी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन। उसके बाद इस सी को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वेव फंक्शन में उसको कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने फिजिकल इंटरप्रिटेशन दे रखा है वेव फंक्शन का, उसमें बताया है कि साइज स्टार साइज जो होता है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है जो ऊपर यूनिट लेंथ बताएगा। तो यहाँ से साई स्टार साई डी एक्स ये हमारी प्रायिकता होगी रीजन्स एक्स से लेकर एक्स प्लस डी एक्स के बीच में, और एक्स की वैल्यू को जब हम लिमिट को जीरो से एन तक ले लेंगे तो यहाँ पर ये नेट प्रायिकता बताएगा इस रीजन से लेकर इस रीजन तक, क्योंकि पार्ट के इस बॉक्स के अंदर यहाँ क्रैक है तो नेट पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो वन होगी। तो नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी हम इसे कहते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है अगर हम उसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो साई स्टार साई डी एक्स और लिमिट ले लें प्रॉपर एक्स की लिमिट बताएं पार्टिकल कहाँ से कहाँ के बीच है, तो एक्स बराबर जीरो से लेकर एक्स बराबर एल के बीच पार्टिकल है तो एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर एल तक साई स्टार साई डी एक्स की वैल्यू वन होगी। तो नेट प्रायिकता को जैसे ही हम वन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मॉड सी स्क्वायर जीरो से लेकर एल और साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स इक्वल टू वन। इसके ऊपर एक्सप्रेशंस इसे एक्सप्रेशन में खोल लें cos 2x का एक्सप्रेशन यूज कर लें और इसे अप्लाई जैसे हम करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा मॉक्स सी स्क्वायर और ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो उसे सॉल्व कर लें ये एल बाई टू आएगी इक्वल टू वन होगा, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास इवेल्यूट हो जाएगी तो मॉक्स c जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा रूट टू अपॉन एल। तो ये नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है और क्योंकि ये जो एल भी रियल है वो भी हमारा रियल क्वान्टिटी है तो सी जो आ जाएगा उसे हम रूट टू अपॉन एल ले सकते हैं सिंपली, क्योंकि यहाँ अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है तो फिर हम सीधा सिंपली से डायरेक्ट रूट टू बाई एल भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वे फंक्शन निकल जाएगा साई इक्वल टू जो फंक्शन एक्स का है रूट टू अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये हमारा नॉर्मलाइज वे फंक्शन होगा पार्टिकल बॉक्स का। तो मैंने बताया कि किस तरीका से आप वेव फंक्शन कैलकुलेट करें नॉर्मलाइजेशन का, तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से मैंने शुरू किया एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर एल के लिए पहले मैंने वेव फंक्शन लिखा साई प्लस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव अटैच होगी पार्टिकल के साथ, एक्स बराबर एल से जब एक्स बराबर जीरो की तरफ पार्टिकल आएगा उसे वेव फंक्शन को साई माइनस कहा, नेट वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज की एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर एल पर पाई जाने की प्रायिकता जीरो है, और उसके बाद सबसे पहले मैंने साई कैलकुलेट किया वो आया हमारा सी साइन के एक्स फॉर्म में, उसके बाद सी की जगह पे उसे डी से रिप्लेस कर लें या सी लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सी साइन के एक्स जीरो से लेके एल तक जो साई स्टार साई डी एक्स उसको वन कर दें उसे हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी। तो वेव फंक्शन हमारे पास ही नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हमें एवोल्यूट हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा जैसे ही नॉर्मलाइज वेव फंक्शन पता चलेगा तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे शुरू हो जाते हैं कंडीशंस में किस तरीका से प्रॉब्लम्स बनती हैं वो मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद में, और कुछ नई प्रॉब्लम आपको बताऊंगा किस तरीका से बनती हैं और किस तरीका से उन्हें हम हैंडल करें। एक जो मेजर प्रॉब्लम है आती है डिस्कशन में वो ये आती है कि जब हमने वेव फंक्शन लिख दिया और वेव फंक्शंस का हम
वेव फंक्शन की हेल्प से मोमेंटम की एनर्जी आइगन वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करें। तो मोमेंटम जो ऑपरेटर्स होता है, एक हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण पहले जो कैलकुलेट करें उससे देखें कि वेरियस क्वांटिटी हम वेव फंक्शन से कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है खासतौर से जो कंसेप्ट समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो समझें कि जो मोमेंटम ऑपरेटर हमारा होता है, मोमेंटम ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आई एच कट और डेल ओवर डेल एक्स। काइनेटिक एनर्जी जो ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम और डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है। तो दोनों मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू को ऑलवेज याद रखें। एनर्जी ऑपरेटर जब टाइम की फॉर्म में पूछा जाएगा तो होता है आई एच कट डेल ओवर डेल टी। ये तीनों ऑपरेटर्स की वैल्यू को और भी याद रखें। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर से एनर्जी आइगन वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को हम ऑपरेट कराएं और उसे वेव फंक्शन साइन पर ऑपरेट करा दें। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है ऑपरेटर की वो है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और साइन की वैल्यू यहाँ से ले लें वो है हमारी रूट टू अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन वेव फंक्शन की जो वैल्यू है। उसके बाद जैसे हम इस पर ऑपरेट कराएंगे तो ये जो वैल्यू आएगी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम और जब हम दो बार इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले डिफ्रेंशिएशन इसका आ जाएगा एन पाई अपॉन एल कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, फिर डबल करेंगे क्योंकि हम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है तो कॉस का फिर बन जाएगा माइनस साइन और एन पाई अपॉन एल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से पुट कर दें, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस एन पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर और साइन हमारा रिपीट हो जाएगा जब हम इसे ऑपरेट कराएंगे। तो ये जो वैल्यू है वो देखें एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर इंटू साइन होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर साइन की जो वैल्यू है वो ये है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एवोल्यूट हो गई यहाँ से और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हमें यहाँ एवोल्यूट हो गई वही पार्टिकल की एनर्जी होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ है जीरो है। तो जो एनर्जी पार्टिकल के पास होगी वो केवल काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होगी। तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी और ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर। तो एनर्जी एक्सप्रेशन हम यहाँ इजीली एवोल्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। अब देखें कि इससे क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। क्वेश्चंस ये आता है कि अगर पार्टिकल की जैसे कहता है कि अगर वो n बराबर 1 स्टेट के अंदर है और उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत बार देखे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल इन ए बॉक्स में जिसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो x बराबर 0 से लेकर एल वाले एक बॉक्स के अंदर है, उसकी जो एनर्जी है n बराबर 1 में वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो n बराबर 2 में उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो n बराबर 2 में एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम देख रहे हैं कि एनर्जी यहाँ पर फंक्शन है सीधा n स्क्वायर का। तो यहाँ पर जो n बराबर 1 स्टेट में जो एनर्जी होगी n बराबर 2 में स्क्वायर के कारण 4 टाइम्स हो जाएगी। तो एनर्जी का जो आंसर हो जाएगा n बराबर 2 में वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। n बराबर 3 में जैसे पूछ लेता है तो एनर्जी जो होगी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल वाइड होता जा रहा है। पहले में एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, दूसरे में 4, तीसरे में 9। अगर हम अंतर देखें तो यहाँ पर अंतर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पहले दो एनर्जी लेवलों के बीच में, फिर थर्ड और सेकंड के बीच में जो अंतर है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो गया। तो इस तरीका से ये अंतर रहता है। तो इक्वल स्पेस नहीं रहते कि जैसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव लेवल पे कि जो हमारा पार्टिकल में बॉक्स के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो कैसे होते हैं। तो अनइक्वली स्पेस यहाँ से हम देख सकते हैं कि एनर्जी लेवल जो होते हैं वो अनइक्वली स्पेस होते हैं। तो ये छोटे छोटे से कंसेप्ट आपको बहुत मदद करेंगे कॉम्पिटिशन में अनइक्वली स्पेस। उसके बाद अगर हम दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच का अंतर निकालना चाहते हैं ई एन प्लस वन माइनस ई एन, तो यहाँ से कर सकते हैं। पहले एनर्जी एन प्लस वन स्टेट में निकाल लें और यहाँ पे एनर्जी एन एच स्टेट में निकाल लें। तो जब एन प्लस वन में निकालेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये हो जाएगा और कॉमन निकालते हैं ये हमारा पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू हम इवेल्यूट कर सकते हैं एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एम ये आएगा माइनस एन स्क्वायर कर दें तो यहाँ से जो वैल्यू है ये हमें मिलेगी टू एम प्लस वन और ये वैल्यू आएगी यहाँ से पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर।
तो एनर्जी लेवल जो है वो जो दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच का अंतर है वो 2n+1 के प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह भी क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं कि En+1 - En जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो वहां पर विकल्प हमें देता है इट इज प्रोपोर्शनल टू n, इट इज प्रोपोर्शनल टू 2n+1, इट इज प्रोपोर्शनल टू 2n-1, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन n। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोपोर्शनल है वो हमारा 2n+1 है। तो इस तरीके से चीजों को करके चले, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो इसको भी देखें। यहाँ से जो आगे क्वेश्चंस मैं और भी डिस्कस करूंगा, काफी प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ जो यहाँ से पूछी जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे लगातार नोट कर रहे होंगे और काफी बार क्वेश्चंस इस जो हमारा पार्टिकुलर बॉक्स के डिफरेंट एप्लीकेशन है उस पर पूछा जाता है। तो इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं, फंडामेंटल्स हैं, उन्हें बहुत सामने रखें और नई नई प्रॉब्लम्स इस पर मैं डिस्कस करूंगा आगे और वीडियो में भी डिस्कस करूंगा बेसिक नए कंसेप्ट इसके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ऐसा रहा है पीछे लगातार। यहाँ से क्वेश्चंस अगर मुझसे पूछा जाए कि एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स का चूज करें तो मैं निश्चित तौर से इसको इस चाहूंगा बताना, क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखूँ पीछे गेट नेट बार टेस्ट कितना दिया और जो कंपिटेटिव एग्जामिनेशन है सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस इसी से पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास में मैंने इसलिए इसे डिस्कस किया है। उसके बाद हमने जैसे ही काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट किया और तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एनर्जी के इक्वल हो गई, तो ये वैल्यू आ गई n² π² h²² / 2n² एक कंसेप्ट में सभी स्टूडेंटों से चाहूंगा कि जब हम श्रोडिंगर इक्वेशंस को लेकर चलते हैं तो श्रोडिंगर इक्वेशंस होती है -h² / 2m² + v(ψ) / e(ψ), ये होती है श्रोडिंगर की जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, इसको ऑलवेज याद रखें। यहीं से हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आता है, क्योंकि जब हम E-V ψ यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो E-V ψ की जो वैल्यू है इस टर्म को इधर ले जाए तो ये हमारी आ जाती है -h² / 2m² / d² ψ। ई हमारी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम है। और काइनेटिक और पोटेंशियल में से जब हम पोटेंशियल को कम कर देंगे तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बचेगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी इंटू साइन ये जो वैल्यू है वो हमारी आ गई -h² / 2m और d² को 1d में लिख सकते हैं d² / dx² ψ। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर मैंने यहाँ से जो है लिया था, ये जो भी अप्लाई किया था -h² / 2m d² / dx² जब हम एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्यों दोनों इक्वल होंगे इस केस में क्योंकि वी जीरो है पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके बाद हम मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट करें। तो मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि काइनेटिक एनर्जी को p² / 2m के इक्वल कर दें, जहाँ p मोमेंटम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो ½mv² या p² / 2m होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को p² / 2m के इक्वल कर दें तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी n² π² h² / 2m × l² तो यहाँ से 2m से ये 2m कैंसिल आउट कर दें तो p² की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी n² π² h² / l² तो यहाँ से p की दो वैल्यू आएंगी मोमेंटम की, एक आएगी p प्लस जो आएगी p पॉजिटिव मोमेंटम वो वैल्यू आ जाएगी हमारी n π h² / l, ये वैल्यू आएगी p प्लस। इसे क्यों कह रहे हैं कि जब पार्टिकल x = 0 से x = l की तरफ चलेगा तो उसका मोमेंटम इधर पॉजिटिव होगा, जब ये टकराने के बाद में x = l से वापस आएगा x = 0 की तरफ तब उसका मोमेंटम नेगेटिव होगा। तो p माइनस जो होगा नेगेटिव डायरेक्शन में वो हो जाएगा हमारा -n π h² / l। यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछते हैं कि p पॉजिटिव मोमेंटम n = 2 स्टेट में बताएं कि x = 0 से x = l की तरफ पार्टिकल चलता है n = 2 में उसका मोमेंटम क्या होगा। कई बार उसकी लेंथ भी बता सकता है कि लेंथ 1 एंगल स्क्वायर में तो कितना होगा, तो जितनी l की वैल्यू पुट कर दें जो उस भी स्टेट में पूछा है उसमें l की वैल्यू को ले लें। तो ये जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है तब मोमेंटम उसका p प्लस और जब इधर चल रहा है तो p नेगेटिव। अब अगर हमें एवरेज चाहिए तो एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करें, पी एवरेज मोमेंटम उसे कैलकुलेट करने के लिए हम पी प्लस और पी माइनस दोनों का एवरेज ले लें। तो ये एवरेज हम ऐसे लेंगे पी प्लस मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मोमेंटम x = 0 से l के बीच x = l से x = 0 की तरफ पी माइनस और π² एवरेज के लिए। तो ये जो वैल्यू है जब हम एवरेज लेंगे तो n π h² / l माइनस n π h² / l अपॉन 2 होगा और ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो पी एवरेज 0 होगा। तो
तो याद रखें कि पार्टिकल का जो मोमेंटम है, पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कराई और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करा के बताया कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये आएगी। फिर मोमेंटम बताया, मोमेंटम का पूछता है एन पे कैसे निर्भर करता है, तो मोमेंटम एन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो याद रखें कि मोमेंटम क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है, एनर्जी जो है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है। कुछ डिपेंडेंसीज का सदा याद करके जाए, काफी बार क्वेश्चन आता है। तो जो पार्टिकल x बराबर 0 से l और x बराबर l से x बराबर 0 में दोनों में पाए जाने की प्रायिकता सेम है। मोमेंटम एवरेज 0 इसलिए है क्योंकि पार्टिकल x बराबर 0 से l में जितनी पॉसिबिलिटी उसकी पाए जाने की है और जो x बराबर l से x बराबर 0 में बैक आने की प्रायिकता है वो आपस में सेम है। तो नेट जो मोमेंटम है पॉजिटिव और नेगेटिव उसका एवरेज 0 होगा। तो एवरेज मोमेंटम जो रहता है वो 0 रहता है। और साथ साथ ये भी याद रखें कि जो मोमेंटम है वो 1/l पर निर्भर करता है और जो एनर्जी है वो 1/l² पर डिपेंड करती है। एनर्जी जो डिपेंड करती है वो एन स्क्वायर पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी। और ये सब जो डिपेंडेंसी हैं उन्हें बहुत अच्छे से तैयार रखें। तो याद रखें मैं यहाँ मेंशन भी कर रहा हूँ, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/l². जैसा कहेगा कि एक पार्टिकल x बराबर 0 से लेकर x बराबर l में है, उसके पार्टिकल की एनर्जी E है। अब अगर इस लेंथ को ट्वाइस कर दिया जाए, x बराबर 0 से x बराबर 2l तक, अगर इसी बॉक्स की लेंथ को चेंज कर दिया जाए तो पार्टिकल की एनर्जी उसी स्टेट में जो x बराबर 0 से l के बीच में थी, उसी स्टेट में पार्टिकल की एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो l को जैसे हम 2l करेंगे तो एनर्जी 1/l² पर निर्भर कर रही है, तो लेंथ दूनी होने पर एनर्जी पहले के मुकाबले 1/4 होगी। तो इस तरीका के भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, एन स्क्वायर के जो है वो लगातार पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है E1, E2 और E3 इनकी रेशो क्या होंगी आपस में, ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 स्टेट में। तो यहाँ देखेंगे कि प्रायिकता जो हमारे पास एनर्जी है वो n स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टेट होंगी वो 1/4 इस रेशो में चलेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा 1 आ जाएगा n बराबर 1 पे, n बराबर 2 पे है 4, n बराबर 3 पे 9, तो इसी फॉर्म में चलेंगे। E4 अगर यहाँ है तो यहाँ पर हम कर देंगे 16, अगर E5 तक पूछता है तो आंसर में कर देंगे 25। तो इस तरीका से चलता है। जैसे वो कहता है कि n बराबर 1 में कोई पार्टिकल है उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, n बराबर 5 में बताइए कितनी है, तो 25 टाइम्स कर दें, आंसर सीधा 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन साथ जाता है, कई बार इनका अंतर पूछ लेता है कि अगर n बराबर 1 में एनर्जी इतनी है तो n बराबर 4 और n बराबर 1 में एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा। तो उस तरीका के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, लेंथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोमेंटम पे याद रखें कि जो मोमेंटम है वो n का निर्भर करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मोमेंटम जो है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। तो ये भी डिपेंडेंसी और भी याद रखें। पी प्लस जो है वो पॉजिटिव में आएगा मोमेंटम, याद रखें, और ये पॉजिटिव आंसर मार्क करेंगे इसका। और पी माइनस मीन्स जब एक्स बराबर 0 से एक्स एल बराबर की तरफ आएगा तो मोमेंटम जो है वो नेगेटिव होगा। नेट मोमेंटम जो होगा पी एवरेज जो होगा उसकी वैल्यू को हम जीरो लें। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं जो हमें इसमें पता रखने चाहिए। उसके अलावा दो तीन चीज़ें जो मैं और भी चाहूँगा इसमें बताना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, लगातार क्वेश्चन इस पर पूछे जाते रहते हैं, उस जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम की वैरायटी लगातार पूछी जाती हैं। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट से मैंने इसको किया है लेक्चर, और ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स सीरीज में मैं डिस्कशन दे रहा हूँ। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो इसमें हमें पता रखनी चाहिए वो ये है कि कई बार क्या करता है, लेंथ को चेंज करके नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू को पूछ लेता है। जैसे वो कहता है कि पार्टिकल है साई बराबर ए साइन एन एक्स, स्टेट में उसका वेव फंक्शन है एन पाई एक्स अपॉन 4 है। अब वो कहता है कि इस वेव फंक्शन जो है वो दे रखा है एन एक्स स्टेट में, पूछता है कि आप बताएं कि पार्टिकल की जो एनर्जी है वो एन बराबर 1 स्टेट में कितनी होगी। इस तरीका से क्वेश्चन पूछ लेता है, या हमसे पूछ लेता है कि जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ये होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ अगर कंपैरिजन हम करें तो साई जो हमारा नॉर्मलाइज्ड फंक्शन जब एक्स बराबर 0 और एल के बीच में था तो वेव फंक्शन जो नॉर्मलाइज था उसकी वैल्यू थी हमारी साई इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, जिस बार का वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन। अगर हम इन दोनों की कंपेरिजन करेंगे तो लेंथ एल जो है वो रिप्लेस हो गई है 4l से। जब l हमारी 4l से रिप्लेस हो गई है, वेव फंक्शन जब हमारा a sin n pi x / l था तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट √2/l था,
अब लेंथ जब फोर एल हो जाएगी तो यहाँ पे सीधा हम आंसर बात कर पाएंगे कि एक ही एल की जगह पे हम क्या कर दें, एल को रिप्लेस कर दें फोर एल से, तो ये आंसर आ जाएगा अंडर रूट टू अपॉन फोर एल, या वैल्यू हम इसको लिख पाएंगे वन अपॉन टू एल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशंस में रेगुलर पूछे जाते हैं। एनर्जी पूछता है, तो एनर्जी में जब लेंथ पे जो एनर्जी है वो होगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर, जबकि जब लेंथ एल है, और जब एनर्जी हमारी फोर एल के ऊपर जब लेंथ एल है तब एनर्जी दिस वन है, फोर एल पर जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन टू एम, और एल टू ए पर रिप्लेस करते हैं फोर एल, तो फोर एल का स्क्वायर ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ एनर्जी एल जो एनर्जी एल लेंथ पर थी अपॉन 16 हमारे आंसर हो जाएगा, तो फोर एल करने पर जो एनर्जी है वो वन अपॉन 16 टाइम्स हो जाएगी। तो डिपेंडेंसी पर सीधे क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे हम कंपैरिजन करें और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आगे मैं एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, जहाँ आजकल पूछे जा रहे हैं टफ क्वेश्चंस। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की मैंने सीरीज शुरू की हुई है, इससे लाभ मिलेगा सभी स्टूडेंटों को। तो अपनी राय दें, बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आगे बताते रहें कि किस तरीका के कंसेप्टों की और आपको रिक्वायरमेंट है। और मैं कहूँगा कि अगर किसी कोई स्टूडेंट्स कंसेप्टों पर अच्छे से काम करता है, आपके बेसिक कंसेप्ट बेसिक फंडामेंटल बहुत साउंड हैं, तो आपके लिए कंपटीशंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करना फिजिक्स में इजी हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सीरीज शुरू की है, तो निश्चित तौर से इसका लाभ मिलेगा लॉन्ग टर्म में। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।